चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्टर हमने जो सीखा है, फिल्टर के अंदर जो बेसिक हमारा काम होता है वो पर्टिकुलर सीट के अंदर, एक निर्धारित स्थान पर दी हुई शीट के अंदर ही हम डेटा को फेच कर पाते हैं। लेकिन उससे एडवांस यदि हम बात करें कि हमें उस लिस्ट के अंदर कुछ नहीं करना, जो हमारा रो डेटा है उस लिस्ट के अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं करने हो और हमें उसमें से डेटा को, रिक्वायर्ड डेटा को फेच करना हो किसी और स्थान। फिल्टर की कमियां क्या है हमारे पास? फिल्टर तो हम कर लेते हैं एक शीट के अंदर, वहां पर हम डेटा को फेच करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, बाकी डेटा वहां पे हमारा हिडन हो जाता है, छुप जाता है। हम क्या चाहते हैं, उस लिस्ट से बाहर निकल के। ठीक है, फिल्टर में हम पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर काम करते हैं जो हमारे पास रो मटेरियल है ना। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि उस लिस्ट के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, वो लिस्ट एज इट इज आपकी पड़ी रहे, और उसके अलावा दूसरे स्थान पर आप रिक्वायर्ड डेटा को कैसे बना सकते हैं, उसी के अंदर से डेटा को फैच करके उसी लिस्ट के अंदर से बिना उस लिस्ट को डिस्टर्ब किए आप किसी और स्थान पर उस लिस्ट के अंदर से अपना रिक्वायर्ड डेटा किस तरह से फिल्टर करके ला सकते हैं, किस तरह से पा सकते हैं उसको, इसकी टेक्निक आज हम सीखेंगे, जिसको हम एडवांस फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिल्टर में हमारा क्या हो रहा था, जब भी हम जैसे परसेंट निकाले थे तो पर्टिकुलर उस रो के अंदर, पर्टिकुलर उस टेबल के अंदर से हमारा डेटा, जैसे हम बात करें इस टेबल के अंदर से अगर मैं किसी एक स्टूडेंट के यहाँ पे डेटा निकालू तो बाकी सारे स्टूडेंट का डेटा वहाँ पे हाइड हो जाता था। ठीक है, फिर जब तक मैं उसको क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं करूँ सारा डेटा मुझे दिखता नहीं था। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था हमारे पास फिल्टर का। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो रो डेटा है ना, जो ये हमारी टेबल है ना, इस टेबल के अंदर कोई चेंज ना हो, और जो भी हमें इसमें से डेटा चाहिए, जो भी रिजल्ट चाहिए, हम किसी और जगह पर उसको फैच कर सकें। ठीक, तो वो किस तरह से करेंगे वो आज हम सीखते हैं। चलिए अब बात करें कि वो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले तो आपके पास एक टेबल होना चाहिए है ना। फिल्टर जैसे हमने लगाया था टेबल के ऊपर, एज इट इज लगाएंगे, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार में क्लियर नहीं होगा तो एक बार फिर समझिएगा उसको। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है, ये हमने यहाँ पे अलग कोई चीज हमें निकालनी है, उसके लिए हमने पहले से यहाँ पे कॉलम दे रखा है कि हमें नेम के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए। ठीक है, आप अलग से बना भी सकते हो। ठीक, करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है इसके लिए डेटा के अंदर। ठीक है, होम टैब है, होम टैब से आप आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला के पास आपका डेटा टैब है। डेटा टैब के अंदर एक ऑप्शन है एडवांस का, शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर, आप उस एडवांस ऑप्शन पे जाइए। जैसे आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, ये विंडो खुल के आएगी सामने। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिस्ट रेंज। ठीक है, ये क्या है, लिस्ट रेंज है। ठीक है, लिस्ट रेंज मतलब वो रेंज जिसके ऊपर आप अप्लाई करने वाले हो इस फॉर्मूला को। ठीक, इस एडवांस फिल्टर को, जिस लिस्ट के ऊपर आप अप्लाई करने वाले हो उसकी रेंज ये पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, हालांकि इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यदि ये सेलेक्ट ना करे आप कैसे करोगे, आप पर्टिकुलर पूरी लिस्ट को एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर लो। ये देखिए, ये आपके पास आ गई टेबल। ठीक है, फर्स्ट आपने क्या किया, लिस्ट रेंज ले ली, मतलब जिस टेबल के ऊपर, जिस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर, जो आपका रो डेटा है जिसके ऊपर आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो, उसकी पूरी रेंज आपको लेनी है। सेकेंड क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, आप वो फिल्टर किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे लगाना चाहते हो। ठीक, आप एडवांस फिल्टर किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे लगाना चाहते हो, आप उसमें क्या पाना चाहते हो, उसको डिफाइन करने के लिए यहां पर क्राइटेरिया रेंज है। और उस क्राइटेरिया रेंज के अंदर मैं ले लेता हूं ये हमारा नेम। ठीक है, ये मैंने रेंज ले ली उसकी। ठीक, किस इस क्राइटेरिया के लिए मुझे इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर से डेटा चाहिए। ठीक है, मतलब नेम वाले कॉलम के लिए मुझे इस पूरी टेबल के अंदर से, ये जो मेरे पास टेबल है, इस पूरी टेबल के अंदर से डेटा फेच कराना है। ठीक है, और यहां कहीं मैं उसको, सॉरी एक सेकंड, पहले हम इसको वापस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्राइटेरिया रेंज हमें लेनी है। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज पहले आपको लेना है और उसके बाद लोकेशन देना है। ठीक, मैं क्राइटेरिया रेंज वापस ले रहा हूँ क्योंकि गलती से क्लिक हो गया था नीचे, तो रेंज उसकी चेंज हो गई थी। ठीक, टेबल रेंज हमने पहले ले ली थी, अभी मैंने ले लिया क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, वो अपने स्थान पे ही नहीं, हम उसको किसी दूसरी लोकेशन पे लेना चाहते हैं। उसके लिए हम करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, हम किसी दूसरे स्थान पे उसको फेच करना चाहते हैं। इसके लिए हमने क्लिक किया कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक, उसके बाद लास्ट वाला जो यहां पे हमारे पास एरिया है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉपी टू। ठीक, फर्स्ट में आपने रेंज दे दी है, ये पूरी टेबल की रेंज जिसके ऊपर आप ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हो,
दूसरा आपने दे दिया है क्राइटेरिया रेंज कि जिस क्राइटेरिया के लिए आप उसके ऊपर वो लगा रहे हो फंक्शन, और थर्ड जो है तीसरा जो उसका मुख्य बिंदु है वो ये है कि आप उसको किस प्लेस पर लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर सीट के यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक अलग जगह पे उसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरी चीजें कंप्लीट होने के बाद आपको करना है ओके, ठीक, इसको मैंने कर दिया ओके। तो अब आप ध्यान से देखिए, इस पूरी लिस्ट के अंदर मैंने नेम कॉलम के लिए पप्पू लिया था। पप्पू नाम के जितने स्टूडेंट है ना यहाँ पे, उनका डेटा मुझे फेच कराना था। फिल्टर में क्या होता था, फिल्टर में यदि मैं पप्पू करूँ ना तो यहाँ पे बाकी का जो डेटा है वो सब हाइड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पप्पू ही दिखेगा वहां पे, ठीक। अभी क्या हुआ, रो डेटा है जो हमारा, हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं हुई, कुछ डेटा हिडन नहीं हुआ, कुछ डिलीट नहीं हुआ, ठीक। और हमें अलग से डेटा मिल गया है फिल्टर होकर के। यहाँ पर देखिए बहुत ही ध्यान से सीरियल नंबर आ गए हैं जितनी जगह पप्पू का, जहां जहां नाम है, ठीक है। नेम तो आ ही गया, उसका परसेंट आ गए, उस किस राउंड में उसका एडमिशन हुआ था, स्टेटस आ गया उसका, एडमिशन की डेट आ गई, कैटेगरी आ गई, ठीक है। कैटेगरी तो अनरिजर्व ही थी सभी की, तीनों चारों जितने भी हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल उसकी यहाँ पर हमारे पास आ गई, ठीक। ये हमने तरीका देखा, ठीक है। हम इसको एक बार वापस फिर से देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से अप्लाई किया। यदि आपके मन में कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, तो वो आपका दूर हो जाए। फिर से ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है, लेकिन जरा सी भी यदि आप गलती करते हैं तो आप उसको फैच नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हम डेटा में गए। डेटा में जाने के बाद हम गए एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में सबसे पहला काम जो हमारा क्या है, हम वो टेबल की रेंज लेते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिया टेबल की रेंज, ठीक। अगर ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं करता है तो फिर आपको करना है, कैसे करना है, माउस कर्सर को लेके जाइए, लेफ्ट वाला बटन उसका होल्ड करके रखिए, किसका, माउस का, और जो भी रिक्वायर्ड आपका एरिया है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका रेंज आ जाएगा, क्लियर। सेकेंड है क्राइटेरिया रेंज, ये भी बाय डिफॉल्ट ले ही रहा है वो, लेकिन हम उसको खुद से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहां पर इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं, माउस की सहायता से हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक। फर्स्ट हमारी लिस्ट रेंज थी, दूसरा हमारा क्राइटेरिया रेंज। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्शन में जाकर के हम कर लेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। दो रेडियो बटन है यहां पर, ठीक है। रेडियो बटन किसको कहते हैं, जहां पर ऐसा बटन है, ये गोल वाला बटन, उसमें से जितने भी ऑप्शन होते हैं ना उसमें से कोई एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे जो चेकबॉक्स बना है ना, अगर इस तरह का ऑप्शन होते हैं ना चेकबॉक्स वाला, तो उसमें एक से ज्यादा चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन रेडियो बटन की खासियत होती है, लिख कर रख लो कहीं भी, रेडियो बटन की खासियत होती है कि जितने भी ऑप्शन है उसमें से किसी एक ऑप्शन को ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सबसे बड़ी खासियत होती है रेडियो बटन के, जो गोल वाले बटन होते हैं, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे कर लिया कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक। टेबल की रेंज हम ले चुके हैं, क्राइटेरिया की रेंज हम ले चुके हैं। थर्ड हमें यहाँ पर इस लोकेशन पे चाहिए था, हम पहले इस पे क्लिक कर लेते हैं, और जो भी लोकेशन चाहिए मुझे, यहाँ चाहिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन ओके। तो यहाँ देखिए ये जितने भी है ना पप्पू आपके यहाँ पे अवेलेबल, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हम एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज के ऊपर हो, एक से ज्यादा चीजों के ऊपर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैंने एक नाम पे लिया था, आप दूसरे कॉलम से भी उसको टैली कर सकते हैं, जैसे उसका सिटी हो, उसके फादर्स नेम हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो। देखिए एक नाम से तो अभी हमें क्या मिल गया था, तीन तीन यहाँ पर डेटा मिल गया था, ठीक है। रिक्वायर्ड डेटा चाहिए तो या तो उसकी डेट ऑफ बर्थ हो या उसके फादर का नेम हो, इस तरह की चीज से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना, यूनिक डेटा निकालने के लिए। चलिए तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम ले लिया आपके बारे में, ठीक है। तरीका वही है, ये मेरे पास टेबल है, ठीक है, पूरी की पूरी एक टेबल है। इस टेबल के लिए हम जाएंगे डेटा, डेटा का एडवांस ऑप्शन, और सबसे पहला हमारा लिस्ट रेंज। ये देखिए हमारी टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, मैंने कर दिया इसको ओके, ठीक है। ओ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, जस्ट अ सेकेंड, वापिस से कुछ पुराना वाला ऑप्शन ओपन हो गया था शायद। तो पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ये मैंने इस पूरे को डिलीट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह की कोई चीजें हो तो आप उसे कोई जरूर करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेटा मेरे पास अभी कुछ नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करें, लिस्ट रेंज की बात करें। लिस्ट रेंज कैसे बनाएंगे, तो टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए सर, ये मैंने टेबल सेलेक्ट कर ली, ठीक, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, तो अभी मैंने क्या लिया था, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम लिया था ना, अब मैं यहाँ पे दो कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है, दो कॉलम, क्योंकि हमको डेटा यूनिक चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको रेंज दे देते हैं यहाँ पे नीचे की,
और मैंने कर दिया इसको ओके। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा आया, यूनिक डेटा आया मेरे पास, ठीक है, उसने परसेंट टैली किया, ठीक, और यहाँ पे यूनिक डेटा उसने फैच करके दे दिया। पहले वाले ऑप्शन में क्या हो रहा था ध्यान से देखिएगा, पहले वाले ऑप्शन में जब मैं सिर्फ एक कॉलम से ले रहा था तो सिर्फ एक कॉलम में जहाँ जहाँ पप्पू लिखा था उसकी पूरी डिटेल मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या किया है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस का प्रयोग किया है एडवांस फिल्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर दो अलग अलग कॉलम्स मैंने लिए हैं जिससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, एक यूनिक डेटा मिला। जैसे अगर मेरे पास फादर नेम की लिस्ट होती तो डायरेक्ट फादर नेम और स्टूडेंट नेम ले लेता, तो वहाँ पर भी मुझे यूनिक डेटा मिल सकता था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम्स के साथ भी एडवांस फिल्टर का प्रयोग करके एक जो हमारा रिक्वायर्ड डेटा है यूनिक डेटा उसको फेच कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी हमारे पास लिस्ट चाहे क्यों ना हो, ठीक। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जिसकी हमने बात की थी कि हमारे रो डेटा के अंदर, अब ये देखिए ना, ये जो मेरी टेबल है, जो एक्चुअल टेबल है ना, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, ये डेटा वैसे का ऐसा है, ठीक है, जैसा पहले था वैसा, कुछ भी इसमें से हिडन नहीं हुआ, कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं हुआ, और मुझे अलग से जो रिक्वायर्ड डेटा था वो मैं यहाँ पे फेच कर चुका हूँ। तो ये बहुत बड़ा फायदा है हमारे पास एडवांस फंक्शन का। आई होप चीज़ें सभी को क्लियर हो गई होंगी, फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप बेशक कमेंट करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम उसे शॉर्ट आउट करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।